ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तव प्रसादात पापं मे दामोदर विनश्यतु, नित्य नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने, कार्तिके पापनाशने। जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर, जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर, जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर, जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर। हे 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 दामोदर ये परी से परी पारी कर, हे 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 दामोदर ये परी से परी पारी कर, हे 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 दामोदर ये परी से परी पारी कर, हे 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 दामोदर ये परी से परी पारी कर। धवल स्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, धवल स्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर, जगन्नाथ ईश्वर कार्तिके अधीश्वर, जगन्नाथ ईश्वर कार्तिके बलदेव ईश्वर कार्तिके अधीश्वर, बलदेव ईश्वर कार्तिके अधीश्वर, सुभद्रा ईश्वर कार्तिके अधीश्वर, सुभद्रा ईश्वर कार्तिके अधीश्वर, सुदर्शन ईश्वर कार्तिके अधीश्वर, सुदर्शन ईश्वर कार्तिके अधीश्वर। हे 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 दामोदर ये परी से परी पारी कर, हे 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 दामोदर ये परी से परी पारी कर। दूररु आसली धाई पाखरु आसली धाई, दूररु आसली धाई पाखरु आसली धाई, यही दामोदर पाई राधे, यही दामोदर पाई, यही दामोदर पाई राधे, यही दामोदर पाई। लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर, लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर, शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर, शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर, तीर्थेश्वर ईश्वर कार्तिके अधीश्वर, तीर्थेश्वर ईश्वर कार्तिके अधीश्वर। जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर, जय राई दामोदर कार्तिके परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिगन चिदानंद रूपी प्रात स्मरणीय मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदरी ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करती। जगतर नाथ जगन्नाथ प्रभु बलदेव महामयी सुभद्रा देवी प्रभु सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति को प्रणाम निवेदन करुची। प्रति गाँव में प्रति तीर्थक्षेत्र जो जो शिव मंदिर अच्छा से शिव मंदिर अधीश्वर को ये शिव को प्रणाम करती सेवक गोपाल। प्रति गुरु मान प्रति सद्गुरुदेव मान ठाकुर निगवानंद अभिराम बुलाराम हरिदास सखीमा बायबाबा निगवानंद भालु पद्मलोचन ठाकुर अनुकूल चंद्र वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी सबू गुरुदेव मान सद्गुरु मानंकु ए सेवक निज गुरुदेव स्वरूप विश्वप्रेमी बलियांग स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। कहीं आज हूँ एक पवित्र दिन, आज हूँ एभली एक पवित्र दिन जो पवित्र दिन को आपण माने उपलब्धि करें, जो पवित्र दिन पर आपण माने आज कार्तिक आज दिन टी गलापर आज दिन पर कार्तिक शेष हो किंतु कार्तिक पाई अनुभूति को लेकिन आम प्रतिदिन केमी बचा, आमर चालीचलन केमिति हबो, आमर खाद्यपेय किपरि हबो, आमर कथाबार्ता किपरि हबो, आमर प्रभुंकर नाम किपरि हबो, ए कार्तिक मास आमको सिखाई देछि। आजिर जो रास पूर्णिमा, आजिर जो बाली यात्रा, आजिर जो बोइत बंदाण, आजि पुनि पुष्कर मेला,
आज श्रीजीवर राज राजेश्वर बेश राजा पुणी राजा राज राजेश्वर बेश खाली से आज गुरु नानक जयंती आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमार चांद प्रभु होती आमपाई पूर्णिमार चांद आज से पवित्र कार्तिक पूर्णिमा आज कार्तिक पूर्णिमा रे पवित्र दिन रे ए सेवक आपण मानू एतिक कह गोटी कथा आपण मानू कह आपण माने मन रखिबे आसंदा काली राती पाहिले अब छाड़ खाई यार अर्थ आपण भाबिबेनी जे आमे जहाँ छाड़ू ताकु खाइबु गोटे गोटे जगार ये सेवक निजे देखी कार्तिक मास पालन हम कार्तिक मास रे ठाकुर नाम जपुथे माने पाप को भय करी भगवान को कि भय कर डका जाए भगवान को श्रद्धा प्रेम डका जाए भगवान को भक्ति करा जाए आदर करा जाए जदि आमिष माछ किछि माने गोटे हांडी भितरे ताकु रखिथिबे केमिति आमे कार्तिक आज दिनटा सहिले काली सकल खाइबु एपट ठाकुर बजाऊ एपट जा मानते हाँडीटा टेक देखिया माछटा बंची ना मरी यार अर्थ कौन है आम मैंने चिंतन करवा आपण मान सेवक हूँ पुत्र यार अर्थ कौन ना आमर मन प्रभु पाखे रही आमर मन जाखे रहीगला से आमिष पाखे रहीगला यही मास रे जहा जहा आम उपलब्धि कले यही मास रे जो नियमावली पालन कले आमे प्रतिदिन प्रचेष्टा करिबा यही नियम रे यथा रीति नीति रे जेतिकि पारिबा निज भितरे भक्ति प्रेम सृष्टि करी पालन करिबा आजि भली एक दुन माने पूर्णमी रे रास पूर्णमी रे गोपी गोपाल माने समस्ते आजि एकत्रित होइतिले यही भली दिन रे पूर्णिमार चांद उदय होता पूर्णिमार चांद भितर भगवान कृष्ण पूर्णिमार चांद भली सुंदर दिशुले आई समय रे राधा मध्य बहुत सुंदर दिशुले प्रति गोपी गोपाल माने बहुत सुंदर दिशुले आई सुंदरता को जी आपण हृदय स्थान देवे आपण से चंद्रमा भली शांत रही आउ गोटे कथा मो माँ मैंने मन रखे आपण पुत्र एवं कन्या मैंने चलचंचल होती आपड़ उपलब्धि करई पूर्णिमार चंद्र को आपण आलती कर बंदे दिंतु आउ कौन रहा आज बोईत बंदाण समस्ते देखिए आज सका कौन कौन आपण मैंने करेंगे डंगाटी आनी निजे निजे किए डा तैयारी कर डा किणिक आणती पान टे थोदे गुआ टे थोदे कहे आका मा बई पान गुआ थोई मासक धर्म मोर मासक धर्म मोर आका मा बई पान गुआ थोई पान गुआ तोर मासक धर्म मोर आका मा बई माने आषाढ़ कार्तिक मारे माघ बरे वैशाख आका मा बई चारिमासर मनीष चतुर्मास्य करे साधु संत मान चतुर्मास्य करती गृह थार गृहस्थ आश्रम चतुर्मास्य पालन हुए तापर कौन हम खाली से नुह ये बोईत बंदाण आमे आम पोखरी रे किमा आम नदी रे आमे गोटे छोटिया डंगाटे करी भसई देले यही डंगाटे करी भसई देले काम सरीगला नुह यही डंगा आमको मने पकई दिए जे जातिर पुओ बोईत कुने सात समुद्र तेर नई यही जातिर पुओ कौन करे ना बोईत कुने सात समुद्र को पार हो विदेश वाणिज्य करे निजर कला निजर संस्कृति को नहीं सेपटे से प्रचार करने सहित निजर धर्म को प्रचार करने सहित
ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଆଣେ, ତା ସହିତ ଆମ କଳା ପରମ୍ପରା ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସେଠି ନେଇକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସାଧବ ପୁଅମାନେ ସବୁ ସେପାରିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ସକାଳ ସମୟ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଜି ହେଉଛି ପୁଷ୍କର ମେଳା, ପୁଷ୍କରରେ ମେଳା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ପୁଷ୍କର, ସେ ତୀର୍ଥକୁ ସେବକ ଯାଇଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ, ଏ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ, ଭଗବାନ ଶିବ ଏଇ ପୁତ୍ରଟିକୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। ତାରକାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସୁର ଏଭଳି ଏକ ବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୃତ ହେବି, ଆଉ ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ତେଣୁ କେହି ମାରିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ବର ମାଗିଥିଲେ ନା, ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ପଳାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର କଟିଯାଏ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଅସୁର ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଶିବ ସିନା ଉଠିଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ପୁଅ ହବ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ସିନା ମାରିବ, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ କଟିଯାଇଥିବ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ଶିବ ଉଠିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲା କାର୍ତ୍ତିକ। କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ଏବଂ ସେ ଅସୁରଙ୍କୁ ହରେଇକି ମାରିଦେଲେ। ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସୁର ହିଁ ମୃତ ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ, ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କଲେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସେ କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସେବା କରେ ମୋତେ ପାଇବ ପ୍ରାଣୀ ଭଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁରୁଜ ପକା ହେଇଥିବ, ସାଇଜ ହେଇକି ମୁରୁଜ ପକା ହେଇଥିବ, ମୁରୁଜ ପକେଇକି ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରିକି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଯାଇଥିବେ। କାହିଁକି ନା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣ, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୋଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣ, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ତୁଳସୀ ବିନା ଯେତେ ଭୋଗ ମୋତେ ନୁହଁ ଉପଭୋଗ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସେବା କଲେ ମୋତେ ପାଇବ ପ୍ରାଣୀ ଭଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତୁଳସୀ ବିନା ସବୁ ଭୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏ କଥା ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ବିନା କିଛି ଭୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଔଷଧୀ ଗୁଣ ତୁଳସୀରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି,
नळिनी दळे जेने आप पद्म पुराणे तेने पाप गोविंद 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 मधु गळु छि मकरंद शरीरे न पारई पीढ़ी श्रवण मात्रे जाए छाड़ी गोविंद 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 मधु गळु छि मकरंद सबु पाप सबु दोष ए कार्तिक मासरे कार्तिक महात्म्य कथा जो माने श्रवण करथिबे सबु ए दोष कटिजिवो तापरे गोटे कथा कहुछनि कोन सर्व विघात ग्रह दोष राजचौर्य त्रिपुत्रास गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद अग्नि उत्पात व्यघ्र भय सर्वदुरीत जाई क्षय गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद जीवन्ते सुखी होई थाई अन्ते गोविंद पुरे जाई गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद विष्णुर अति प्रिय पणे रहन्ति पारि सदगणे गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद एठि कहुछन्ति जे विष्णुंकर प्रियतम सीमा नै जानन्ति जो माने तुलसींकर पूजा करन्ति जो माने कार्तिक व्रत करन्ति जो माने उपासना करन्ति एवं हातरे काम करन्ति आमे सेठी कौन बुझिले प्रथमे जेतेबेले सत्यभामांकु भगवान कृष्ण कहुछन्ति तांकर पूर्व जन्मर कथा सबु कहिला परे गोटे कथा कहुछन्ति देख पतिंकु हरेइबा परे मध्य से भगवानंक आशा छाडुनांदि भगवानंक डाकिबा छाडुनांदि सेई आशा सेई विश्वास ही तांकु कौन करेला मो पाखरे पहुंचेला मो पाखरे पहुंचिबार एकमात्र मार्ग होची एकमात्र माध्यम होची गोटिए तुम्हें उपासना कर तुम्हें व्रत कर यार अर्थ नुह तुम्हें उपवास रहिबो उपासना कर किंतु मो नाम को धर किसी खाओ किसी पियो मद्यमादकता ठारु दूरेइ रुह आज कार्तिक महात्म्यर कथा ए भागवतर कथा भगवत चिंताधारार कथा सुत सौनक मुनि ऋषि मानंग सहित एठी आलोचना चलीछि नैमिष्यारण्यरे एही नैमिष्यारण्यरे बसिकी पवित्रमय कथा अमृत सबु आलोचना चलीछि तापरे कोन कहिले घेनिले धर्म उपदेश कार्तिक महिमा विशेष गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद जे धर्म त्रिलोकरे मंडी अनेक जन्म पाप खंडी गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद विष्णुर अति प्रिय व्रत महाकार्तिक यथाकृत गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद अशेष जनंक कारणे मुनि कहिगले पुराणे गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद काहिकी कहिले ना लोकमानंकर हित पई लोकमानंकर कल्याण पई ए सब कथा कुहावला कोनोसी स्वार्थ पई कुहावलानी मुनि काहिकी कहिले ना लोक कल्याण पई तुम्हें जेउले कर्म करिवो से कर्मर फल तुमको ही फलिवो तुम कर्म को तुम जीवन को तुम्हें आनंदमय करिबा पई एले एवं
प्रभात समय रे तुम जीवन को एभली गढ़ एभली संकल्प नहीं जाओ। आज कार्तिक पूर्णिमा रे आपण माने समस्ते सपरिवार सहित आपण आनंद रे एका साथी रे खांतु भगवान को प्रार्थना करंतु एबे जाय के आपण माने उपलब्धि करी भगवान को सत्ता को। सकाळ समय रे आपण माने भलो भाबरे जानि परथुबे एही भलि एक दिन रे भागवत श्रवण करुथिबे। एही भागवत कथा को सेही सुत मुनि मध्य कहिथिले। एही कार्तिकेय कथा को मध्य सेही सुत सोनक संवाद भितरे चलिथिला। जुग जुग धरि शास्त्र लेखा चलिछि। जुग जुग धरि से शास्त्रर प्रवर्तक शास्त्रर वेत्ता माने ए संसार को आसंती गुरु माने आसंती आम को सुधारिबा पाए। भगवान कृष्ण मध्य अर्जुन को गीता कथा कहिथिले सुधारिबा पाए माने ज्ञानर आवश्यकता अछि। बिना ज्ञान रे भक्ति आसी पारिबो नै। यार अर्थ नु जे आमे बहुत श्लोक सिखिने बोली आमर एटा ज्ञान ना ना। ज्ञान अर्थ होची मु मो भगवान को उपलब्धि करिबी। मु भगवान कर मु परोपकार करिबी अन्य प्रति दया करिबी। एहा होची वास्तव रे ज्ञान। ज्ञान अर्थ नु जे आमे अनेक पढ़ी देबा अनेक सिखि देबा ताकू आमे ज्ञान कहिबानी। ज्ञान वास्तव रे ज्ञान होची कोन अन्य को जानी पारिबा अन्य को बंचेबार बाट देखेबा। तेणु प्रिय सज्जन तापरे कौन कहले संसारे प्रति पाले जेहु ताहांक भाग्य केबे कहु। गोविंद 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 मधु गळुछि मकरंद से धर्म भाग्य उपदेश कर्णिले महादेव दास। गोविंद 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 मधु गळुछि मकरंद इच्छार योग्य हेब काही केवल कृपा भाव ग्राही। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद तेणु ए ग्रंथ परकाश सुजने न घेनि बदोष। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। आपण मानु ए सेवक कार्तिक महात्म्य कहिला चाहू चाहू तीरिश दिन आज सरले सरीगला। ये तीरिश दिन भितरे ये गोपाळर कौन सामर्थ्य जे कार्तिक महात्म्य कहिदेव एमितिया अछि तांको कृपा बिना। एटि महादेव दास मध्य कहुचि इच्छार योग्य हेब काही केवल कृपा भावग्राही। ये भावग्राही कृपा करिछंती। ए भावग्राही द्वारा ये कथा आमे कहुचे तेणु ए ग्रंथ परकाश सुजन नघे निबदोष। ए सेवक मध्य आपण मानुंगु कहुचि ए सेवक जहाँ भी कहिला जे कोनसी भल कथा कहिला से गुरुदेवंकर एवं इष्टंकर कृपारे आपण मानुंगु कहिला। आउ जदि कोनसी कथारे आपणंक हृदय रे किछि बाधा देइथिबो ए सेवक आपण दोष को धरिबे नाही। आपण एतिकि कथा उपलब्धि करिवे जे कोनसी कथा आपण भल लागिवो से कथा को ग्रहण करिवे एवं आपणंक पई आपणंक परिवार पई ए सेवक आपणंकर गोटिए पुत्रटी ए पुत्रर कथा को ग्रहण करिवे एवं आपण आपणंक परिवार भितरे जदि कोनसी कळी लागिथिबो ताकू सबु समाधान करिवे प्रचेष्टा करिवे। तुळसी गछ मूळरे पाणी देबे तुळसी पत्र प्रतिदिन 6टा लेखा खाइबे एवं वृंदावतींकु प्रणाम करिवे। आउ गोटे कथा मन रखिबे परिवार भितरे चेष्टा करिवे टिके सत्संग करिवे टिके नाम करिवे। आजिरे कार्तिक पूर्णिमा रे समस्तंकु प्रणाम निवेदन करुछि।
युवपीढ़ी को शुभेच्छा प्रदान करुच्छी। बोल आनंद कबार हरि बोल आम नाम करवा जय राई दामोदर कार्तिके अधीश्वर 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 धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर धवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर शिशु अनंत 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 सुंदर कार्तिके अधीश्वर तीर्थेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर तीर्थेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर जय राई दामोदर 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 कार्तिके अधीश्वर